7 साल से इंतजार निर्भया के दोषियों के लिए फांसी की सजा का हो रहा और इस बीच में लगातार कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल कर रहे निर्भया के दोषी, मगर निर्भया के दोषी को आज झटका लगा है। पवन की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है और ऐसे में पवन कुमार का ये जो दांव था रिव्यू पिटीशन के जरिए फांसी के अमल दरामद को लटकाने के लिए, कहीं ना कहीं उसको भी एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में पवन ने रिव्यू पिटीशन के लिए अर्जी दाखिल की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और ऐसे में दोषी पवन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इस बात की उम्मीद जताई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उसे किसी किस्म के राहत मिले, मगर जिन ग्राउंड पर, जिन आधार पर, जिन तर्कों के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशन में कई सारी बातें तो कही हैं, मगर इस पिटीशन को खारिज किया। कुछ ही देर में अपने सहयोगी अमित दुबे की तरफ भी चलेंगे जो कि हमारे साथ में इस वक्त जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर अब माना यह जा रहा है कि क्या तीन दोषियों को अब फांसी दी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर तिहाड़ जेल की तरफ से इस किस्म की बातें रखी गई है। अमित, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि रिव्यू पिटीशन को किन आधार पर खारिज किया गया, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, पवन गुप्ता की ये जो पिटीशन थी ये इस बात को लेके थी जिसमें उसने दावा किया था कि वो जिस समय ये घटना हुई उस समय वो नाबालिग था और इसे लेके पहले वो हाई कोर्ट गया था, जहां हाई कोर्ट ने उसकी बात को अस्वीकार किया और याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद पवन गुप्ता जो है वो अपने आप को नाबालिग साबित कर सके। कई सबूत देने की कोशिश की गई थी, हालांकि हाई कोर्ट का जो आधार था उसी आधार को सुप्रीम कोर्ट ने माना और जो सबसे बड़ा पवन गुप्ता का बेस था कि वो घटना के समय नाबालिग था और इस आधार पे ना सिर्फ उसे नाबालिग और कानूनी जानकारों की नजर में ये पहले से माना जा रहा था सजा उसे हुई है, अमित की खारिज हो जाएगी पिटीशन, लेकिन चूंकि अदालत ने साफ कर दिया कि वो नाबालिग नहीं था उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। अमित, अब आगे की तस्वीर को किस तौर पर देखा जाए, क्योंकि कोर्ट में आज तिहाड़ जेल की तरफ से ये भी कहा गया कि तीन दोषियों को अगर आप चाहें तो फांसी दे जा सकती है, कोर्ट मैनुअल के हिसाब से इस किस्म की बातें कही गई हैं, मगर आगे की तस्वीर अब क्या जो फांसी की सजा डेथ वारंट जारी किया गया था, जो वक्त जो दिन मुकर्रर था उस पर फांसी होना संभव है, या अभी क्या लग रहा है कि अभी ये लंबा खींचने वाला है? देखिए, फिलहाल जो है अभी उस तरह की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, हालांकि तिहाड़ प्रशासन जो बात की गई है, मेरठ से पवन जल्लाद को बुला लिया गया है और वो दिल्ली में ही मौजूद है। अगर जो पिछला डेथ वारंट जिस तरह जारी किया गया था कि 1 तारीख को 6 बजे फांसी होनी है और इस बीच एक एक करके जिस तरह से पिटीशन आई, रिसेंटली जो पिटीशन खारिज हुई है, तो उन दोषियों के पास भी कहीं ना कहीं अभी टाइम है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो ये चौथा आरोपी है पवन, इसके पास अभी 2 ऑप्शन, चाहे वो मर्सी पिटीशन की बात करें या क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें, दोनों पिटीशन अभी भी इसके पास विकल्प के रूप में मौजूद है। यानी पवन गुप्ता को तो किसी हाल में रिसेंटली फांसी नहीं हो सकती और वो अपनी चाहे तो मर्सी पिटीशन फिर से फाइल कर सकता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं उन्हें लेके भी अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हो सका है। लेकिन तिहाड़ प्रशासन जिसकी बात की जा रही थी, प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ जरूर पूरी की गई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित दुबे इन तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि 1 तारीख जो कि कोर्ट की तरफ से दी गई थी, डेथ वारंट जारी किया गया था, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि शायद उस तारीख पर, उस मुक्तयना वक्त पर फांसी का अमल दरामद ना हो सके, क्योंकि कानूनी दांवपेच के सहारे कहीं ना कहीं ये दोषी फांसी के अमल दरामद को आगे बढ़ाते हुए लटकाते हुए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के